वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का असर एक बार फिर हर वर्ग हर तबके पर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो देहरादून स्थित सहजधारा पर्यटक स्थल इन दिनों काफ़ी वीरान नजर आ रहा है, जबकि मई जून महीने में काफ़ी गुलजार हुआ करता था। आलम यह है कि एक भी पर्यटक यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए भाई साहब, मई जून का ही हमारा सीजन होता है, जो हम यहाँ पे वो है सीजन हमारा मई जून का ही चलता है। पिछले साल भी ऐसे ही बर्बाद हो गया था, इस बार भी ऐसे ही बर्बाद हो गया मई जून, क्योंकि 12 महीने यही इंतज़ार करते हैं कि यार मई जून आएगा तो अपना काम धंधा करेगा, कुछ दिया जाएगा लोगों का, कुछ लिया जाएगा, तो इस दो साल से तो बिल्कुल कमर टूट गई है। इस तरह की परेशानी आ रही है, आर्थिक तंगी तो हो ही गई है भाई साहब। अब जिसके पास कार्ड है उसे तो चलो राशन मिल रहा है, और राशन भी क्या है, वो 2 किलो चावल 2 किलो गेहूँ, उससे क्या हो रहा है, और राशन उससे ही कोई घर चलता है, और बहुत समस्याएं हैं। आपके कर्मचारी हैं? अब हमारे पास 11 कर्मचारी हैं, जिसमें से 2-3 घर चले गए, 9 तो हम यहीं पे ही हैं। अब वो बेचारे भी क्या करें, बैठ के खा रहे हैं। सर यहाँ पे तो इस टाइम पे बहुत भीड़ होती थी, इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। सारी जगह दुकानें बंद हैं, लोग सब परेशान हैं। इस टाइम पे बहुत बुरा हाल हो रहा है, इस टाइम पे तो लोगों को खाने के भी लाले हैं। हमारी स्थिति तो बहुत डाउन हो गई सर, बच्चे भी पालने मुश्किल हो गए इस टाइम पे, इतना बुरा हाल है। बिजली पानी के बिल निरंतर आ रहे हैं, हर चीज़ सब चीज़ हो रही, किसी तरफ से सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है, सारे होटल वाले परेशान हैं, सब परेशान हैं इस टाइम। कुल मिलाकर देखें तो राज्य सरकार अब जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि आगामी समय में जो राहत देने की बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी राहत दी जाएगी, तो ऐसे में उम्मीद है कि एक बार राहत मिलने के बाद एक बार फिर से सहजधारा पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार हो जाएगा। कैमरामैन विशु सैनी के साथ रोहित सोनी, ईटीवी भारत, देहरादून।